आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। मेरा नाम जगदीश है। मेरी वाइफ थी, 38 साल की उम्र थी, और खुद लेके आया, चला के लेके आया था। उसको चली थी, अपने आप उठी है, सबको पहचान रही है, बोल रही है, बातचीत करी है, उसको फ्रूट पिलाई है, पानी पिला के आया। उसने मेरे से कह दी, बाबू यहाँ बचूंगी नहीं मैं, ठीक हो के आएगी तू। मैं इनको वहाँ से लेके आया, इन्होंने अंदर ले लिया, हमें इन्होंने बताया नहीं कहाँ ले जा रहे। अब सुबह से हम बॉडी ढूंढ रहे हैं, बॉडी हमें कोई बता के राजी नहीं है, वरना काउंटर पर कोई बता रहा हमें कि बॉडी कहाँ है। बड़ी मुश्किल से लड़का हमारा ही खुद अपने आप ही भागा डोला है, जब पता निकाला उसने कहाँ है बॉडी। डॉक्टर से आपने पूछा, बहुत हालत सीरियस हो गई थी क्या? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया हमारे को, यहाँ कोई बात करके राजी नहीं है।